महाराष्ट्र में आपके सहयोग की जो है शिवसेना, उनको कितनी जगह दी जाएगी? हम दोनों मिलकर के तय करेंगे, तभी तो सहयोगी है, तभी तो प्रेम है हमारे। महाराष्ट्र में 48 की 48 सीटें हम जीते, 48 सीटों पर विजय करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में। हम अपने सहयोगी के साथ लड़ेंगे। वो बड़े राम सरकार में हुए, एक राम मंदिर का और 370 धर्म का, देश को हिंदू राष्ट्र का बना। भारत अपने संविधान के अनुसार चलेगा, हम संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से ही देश को चलाने के लिए। सर, हमने पूरे देश में एक नई व्यवस्था के तंत्र को खड़ा किया, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि लंबे समय तक देश की जो ओबीसी की जनता थी वो सोशल जस्टिस की लड़ाई पर लड़ रही थी। आज तो महाराष्ट्र में कोई भी गठबंधन बनाने की बात कहे, उनको ये पूछना चाहिए कि काका कालेलकर की रिपोर्ट तो देश की आज़ादी के बाद आ गई थी, कांग्रेस ने काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं होने दिया। मंडल आयोग भी जब बना, जब जनसंघ जनता पार्टी में शामिल था, मंडल आयोग की रिपोर्ट को भी कांग्रेस ने लागू नहीं होने दिया। जब बीजेपी ने वीपी सिंह की सरकार को समर्थन दिया तब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, और अगर लोकसभा में उसका किसी ने विरोध किया तो राजीव गांधी जी ने ऑन स्टेटमेंट विरोध किया। ये कांग्रेस की ओबीसी के प्रति नीति है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, मैं राजनीति में बहुत सक्रिय हुआ हूँ 2004 से 14 तक, और 2012 में तो मैं भी सांसद बन गया था। सारी पार्टियों के ओबीसी सांसद सरकार से डिमांड किया करते थे कि एक तो कांग्रेस ने ओबीसी में काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, लागू किया था फिर मंडल आयोग की रिपोर्ट में जो ओबीसी के समाज को जो संवैधानिक दर्जा मिलना था वो देने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। 2014 में जब सरकार बनी तो ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने का काम, ताकि हमारे ओबीसी के बच्चे विश्वविद्यालयों में एकल शिक्षा के कारण आ नहीं पाते थे, उसको संवैधानिक दर्जा दे करके और ये बड़ा परिवर्तन करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। एकल के सीट के आंकड़े उठा के देखो, विश्वविद्यालयों के सर्विसेज के आंकड़े उठा के देखो, ओबीसी बच्चों को प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण पिछले 9 वर्षों में जितना अवसर मिला है उतना कभी कांग्रेस ने वो अवसर नहीं दिया, ये हमारी सरकार ने दिया। और हम जानते हैं कि 70 साल के इस दौर में केवल ओबीसी वर्ग के कारण नहीं, स्वर्ण समाज में भी जो गरीब लोग रह गए थे उनको भी 10% आरक्षण देने का काम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ये परिवर्तन कैसा होता है, मैं कल हिंगोली में था, एक बच्चा मेरे को आके मिला, मैंने उसका सम्मान किया, पूरा गांव आया, किसान ये IRS में बना। मैंने कहा बेटा कैसे बने, बोले जी मैं EWS कोटे में। इसलिए गरीब का कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेदभाव नहीं किया, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास यही है। और इसलिए ओबीसी समाज को सम्मान देने का काम, EWS कोटा को लागू करने का काम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 9 साल में हमने किया। कुछ दिनों से महाराष्ट्र में दंगे भड़क रहे हैं और विपक्षी नेताओं को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से कानून व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध है। माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया है, कुछ लोग जानबूझकर इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, कुछ लोग अगर ये चाहते हैं कि वो औरंगजेब को यहाँ का हीरो बनाना चाहे तो ये गलत कर रहे हैं। हमें इतिहास को सही तरीके से देखना होगा और महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से कानून व्यवस्था के लिए सक्षम है। ये विपक्ष और कांग्रेस की राजनीति है जो अपने माइनॉरिटी वोट बैंक के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। वो हमारे सबसे सम्मानित नेता हैं और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं।